नालंदा जिला में जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के लिए पिछले कई दिनों से खींचतान जारी था। मंगलवार को नालंदा के डीएम शशांक शुभांकर के अध्यक्षता में चुनाव में इस्लामपुर पूर्वी से जिला परिषद सदस्य तनुजा कुमारी एक बार फिर जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हो गई है। वहीं समेरा के नरोत्तम कुमार उपाध्यक्ष चुने गए। बता दें कि बीते जनवरी महीना में जिला परिषद अध्यक्ष पिंकी कुमारी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर मंगलवार को नालंदा जिला के मुख्यालय बिहार शरीफ के हरदेव भवन में डीएम शशांक शुभांकर के अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक की कार्यवाही में कुल नालंदा जिला के 33 जिला परिषद शामिल हुए, जिसमें से एक अनुपस्थित रहे। तनुजा कुमारी को 20 व नरोत्तम को 17 वोट पड़े। निर्वाचित अध्यक्ष तनुजा कुमारी ने कहा कि उनकी प्रथम प्राथमिकता सिर्फ विकास है, बिना भेदभाव के सभी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। ये वोटिंग हुआ है जो प्रक्रिया है, और तनुजा कुमारी जी अध्यक्ष पद पर और नरोत्तम जी उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। सर कितने दिनों तक सर आंख में चोले खेल चलता रहा सर, आखिर आज देर इतना देरी क्यों हुआ सर? नहीं, ये तो प्रक्रिया है जो पहले कोर्ट में गया था और इसके बाद प्रक्रिया का पालन हुआ। चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने आज का डेट फिक्स किया था, आज उसका चुनाव हुआ। अध्यक्ष के लिए कितने लोग थे सर? कुल 33 लोगों ने वोट किया है। वोट का ब्रेकअप ये लोग बता देंगे। हम लोग जिला परिषद के विकास के लिए हमने जिला परिषद अध्यक्ष को गिराया था, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, और हमने फिर से 12 तारीख को आज इलेक्शन हुआ और जिला परिषद अध्यक्ष हमने जीता। खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे उपाध्यक्ष जूली कुमारी थी, लेकिन वो हार गए, लेकिन हमारे ही खेमा से नरोत्तम जी आए जो जीत गए। तो दुख और सुख दोनों हैं हमारे साथ, ना हम कुछ व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हमने काम के लिए आए हैं तो काम सभी क्षेत्र में हमेशा होगी और सभी की समस्याएं के लिए हमेशा हम अग्रसर रहेंगे, सबके साथ रहेंगे। अच्छा, यह बदलाव का कारण क्या देख रहे हैं? शुरू से ही है, सभी को क्षेत्र में विकास का गति बहुत धीरे थी। अभी तक मेरा 21-22 का योजना नहीं हुआ है, 23 का योजना नहीं है, वो तो फाइल देखने की चीज़ है। तो इसलिए हम लोग विकास के लिए आए हैं। क्षेत्र रहेगा जो हमारा क्षेत्राधिकार रहेगा, उसमें जहाँ कहीं भी 3400 मेंबर जो माननीय हैं, उन लोगों ने, उनमें से जिन्होंने भी समर्थन किया उनका भी धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है उनका भी धन्यवाद। हमारे तरफ से 3400 के लिए बराबर सहभागी रहेगा और समरूपता से काम जो हमारे कार्य क्षेत्र में रहेगा वो हम करेंगे। क्या पहले से पता था कि इतना बड़ा जिम्मेवारी मिलेगी? पता तो था, कर ही रहे थे हम लोग। एकाएक कुछ सदन